आदाब नाज़रीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन एक मुलाकात आपके साथ में 33वां एपिसोड लेकर आए हैं। ये एक ख़ास एपिसोड कर्नाटक की हिस्ट्री में पहली मरतबा 16 गोल्ड मेडल जो बुशरा मतीन रायचूर के रहने वाले हैं, इनके बारे में किस तरीके से ये पोजीशन और किस तरीके से ये स्टेज पर उन्होंने पहुंचे हैं, हम उनसे थोड़ा मालूम करेंगे। मैडम, सबसे पहले हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वॉइस ऑफ गुलबर्गा चैनल का, जिसने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। शुक्रिया मेरे को कंग्रेचुलेट करने के लिए। मैडम, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आज जो पोजिशन आपकी वजह से पूरा कर्नाटक फख्र से कह रहा है, अपने को अपने गैर भी फख्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम बुशरा मतीन है, मेरे वालिद शेख जहीरुद्दीन और मेरे वालिदा शबाना परवीन हैं। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और जो मेरा स्कूलिंग है वो सेंट मेरिस कॉन्वेंट स्कूल रायचूर से हुआ है और मेरा जो PUC है वो प्रमाणा PU कॉलेज रायचूर से कम्प्लीट हुआ है और जो मेरा डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग वो SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रायचूर से ही कम्प्लीट हुआ है। तो मेरा पूरा एजुकेशन मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से ही कम्प्लीट की हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे डिग्री में 21st वीडियो कॉन्वोकेशन में बेलगावी में जो था उसमें 16 गोल्ड मेडल्स से अवार्ड दिया गया है, जो 21 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में VTU के पहली बार हुआ है कर्नाटक में। फर्स्ट रैंक ला के 16 गोल्ड मेडल हासिल करना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं पहले बात तो शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह सुभाना ताला की जिसने मुझे इस मुकाम पे लाया है। मेरे वालदैन का हर वे में सपोर्ट रहा, मेरे प्रोफेसर्स का, मेरे टीचर्स का हर वे में सपोर्ट रहा और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे रायचूर के लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि मैं मेरे रायचूर को कर्नाटक लेवल में रिप्रेजेंट करी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार हूँ। रायचूर ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक फख्र से कहता हुआ नज़र आ रहा है। मिसाल तो दे रहे हैं कि 16 गोल्ड मेडल्स जो दिए हुए हैं, पूरा कर्नाटक फख्र से कहता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है, हर जगह से आपको मुबारकबाद पेश आ रही है, अपने तो अपने गैर भी मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो मेरा 4 ईयर्स का सक्सेस है उसको मेरे को एक ओवरनाइट फेम मिल गया मेरे को, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चलो एक कंपटीशन है या तो जीत या तो हार होती बोलकर भी सोच नहीं थी, कुछ माइंडसेट ही नहीं था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आने वाला है। अचानक से मेरे एक प्रोफेसर कॉल करे, मुझे कॉल करके बोले बुशरा बैड लक बोले। मैं बोली क्यों सर, क्या हुआ? आप सेकेंड रैंक आया आपका। मैं बोली ओके ठीक है सर, अच्छा है, शुक्रिया सर बोले। नहीं नहीं आप फर्स्ट आए, आप पूरे कर्नाटक में फर्स्ट रैंक लाए। तब मेरे खुद के खुशी के आंसू चले गए, बहुत खुशी की बात थी। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं एक बूंद मांगी थी अल्लाह से समंदर का, अल्लाह ने मुझे पूरा समंदर नवाजा है बेशक। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह सुभान व तआला की हर चीज़ में और आगे मेरे को और मेहनत करना है और कामयाबी हासिल करना है। मेरा यही जर्नी का एंड नहीं है, अभी बिगनिंग है मेरा जर्नी का और आगे एक मुकाम पे आना है। वो लड़कियाँ जो 10th पढ़कर POC पढ़कर मायूस होकर जिसके 10th के पेपर बैक हो जाते हैं या POC में नाकामी होती है, उन लड़कियों को क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पूरा कर्नाटक फख्र से कहता हुआ नजर आ रहा है, मिसाल तो दे रहे हैं, तो आपकी मिसाल दे रहे हैं उन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कहेंगे जो तालीम को छोड़कर मायूसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं? जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट है जो एजुकेशन में, चाहे वो POC लेवल हो, डिग्री में हो, आप दूसरा टैलेंट भी बहुत चीज़ें हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं आजकल के लोग, आज के टेक्नोलॉजी में बेक करने का रहो, कैंडल्स बनाने का लो, घर के बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो टैलेंट आप ग्रो कर सकते हैं। रिग्रेट मत करो, जो भी चीज़ आपने किया है उसके ऊपर रिग्रेट करके आपकी लाइफ नहीं गुजारना चाहिए। बट अनदर ऑप्शंस रहते, बहुत सारे ऑप्शंस रहते, चूज़ करो और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जियो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप आउट है और अभी भी आपको पढ़ने की एक पैशन है आप में, तो फिर कंटिन्यू करना चाहिए। एज डज नॉट मेक अ रिस्ट्रिक्शन फॉर एजुकेशन, मैं यही कहना चाहती हूँ। जब 60 ईयर्स तक आप लोग जॉब कर सकते हैं तो 60 ईयर्स मतलब उसके अलावा भी हम एजुकेशन भी ले सकते हैं, बियॉन्ड 30 भी हम एजुकेशन ले सकते हैं। एज एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए एजुकेशन के लिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। अब इसके बाद आपका इरादा क्या बनता है? जी, मैं ऑनलाइन UPSC कोचिंग ले रही हूँ बायजूस से और मेरा ड्रीम है एक IAS ऑफिसर बनना, जो मेरे वालिद का ख्वाब है उसे मेरे को पूरा करना है इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे, आप दुआ कीजिए कि मैं मेरे रायचूर में एक IAS ऑफिसर बन के आऊँ, या जो अल्लाह की रज़ा है उस पर तो राज़ी होना ही है मेरे को, बट मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह वो पूरा हो जाए। तो आखिर में वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जी, मैं आज 9 अप्रैल को गुलबर्गा में आई हुई हूँ वीटीयू रीजनल सेंटर में, और मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा चैनल का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। और मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के हर लोग से, पेरेंट्स रहो, स्टूडेंट्स रहो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने टैलेंट को ग्रो करो, आप एजुकेशन पे फोकस करो। एजुकेशन से कोई नुकसान है ही नहीं, क्यों एजुकेशन से पीछे हटना, क्योंकि कोई नुकसान है ही नहीं। एजुकेशन पे फोकस करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। मैं जो एक रायचूर डिस्ट्रिक्ट से मेरी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करके ये मुकाम पे आई, तो हर कोई आ सकता, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स रहो, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स रहो, इट डजेंट मैटर। आप अपना गोल बनाओ और आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, मैं यही।